नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। आइए देखते हैं आज के मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। तेज हवाओं और घने बादलों के साथ दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश होने के साथ ही तेज हवाएं चल रही हैं। हवाओं में ठंडक भी है, जिससे मई के भीषण गर्मी के महीने में ठंडक का एहसास होने लगा है। हालांकि कई इलाकों में धूप भी निकली हुई नजर आ रही है। यहां बादलों का आवाजाही जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है, जिसके चलते दिन भर दिल्ली एनसीआर का मौसम इसी तरह से बना रहेगा। वहीं 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पिछले दो दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक मई में किसी एक दिन वर्ष 1900 के बाद इतनी बारिश दर्ज नहीं की गई है। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में बारिश के आसार जताए हैं। यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड और हरियाणा में भी इस दौरान बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई जा रही है। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। 8 पहाड़ी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के कई हिस्सों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी अंडमान सागर और दक्षिणी पूर्वी पश्चिम बंगाल में 21 मई यानी आज मानसून आने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई से 2 जून के बीच केरल तक पहुंचने और अगले 2 सप्ताह में पूरे प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। वहीं अरब सागर में उठे तौकते तूफान के कुछ दिन बाद बंगाल की खाड़ी में यास तूफान आने की संभावना बन रही है। यास अगले 72 घंटों में चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। IMD के मुताबिक 22 मई के करीब उत्तरी अंडमान सागर और उससे जुड़े पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके 24 मई तक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की बहुत अधिक संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बहुत संभव है कि ये चक्रवाती तूफान 26 मई की सुबह उत्तरी बंगाल की खाड़ी में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंचे। इसके मद्देनजर ओडिशा और बंगाल सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।